शहनाज के साथ भी जोड़ने लग गया, जैसे मेरी म्यूजिक कोलैबोरेशन वीडियो आई। तो गाइस एलवी शाद और शहनाज गिल का भी कोलैबोरेशन वीडियो आने वाला है, तो उसी चीज को लेके सोशल मीडिया पर यही चीज बाहर आने लगी कि पंजाब वाली भाभी क्या यही है, और काफी सारे लोग इनको एक साथ जोड़ने लगे। तो इसी चीज को क्लियर करते हुए एलवी शाद ने क्या कहा है, मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूं उनके व्लॉग का। ये चीज ना समझो, इंपॉर्टेंट बात है, सीरियसनेस वाली बात भी। मेरा नाम यार, जो भी मेरे साथ लड़की दिखती है पब्लिक जोड़ देती है। शहनाज के साथ भी जोड़ने लग गया, जैसे मेरी म्यूजिक कोलैबोरेशन वीडियो आई उसके बाद शहनाज के साथ मेरा नाम जोड़ दे। मत करो यार ऐसे भाई, शहनाज इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज अलग एंड योर पंजाब वाली भाभी। व्यूज आए थे लेकिन जिस साउंड इफेक्ट को रोस्ट करते थे। और वहीं गाइस मनीषा रानी और थगेश का कोलैबोरेशन वीडियो आया है, जहां पर रिसेंटली मनीषा के व्लॉग चैनल पर भी उनका व्लॉग में थगेश दिखे थे, तो इसी चीज को लेकर काफी ज्यादा हीट मिल रहा था थगेश को। तो उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर क्या कहा है, मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। थगेश भाई, वो रील आपकी बाकी रील से कुछ अलग नहीं था, उसमें कुछ अलग नहीं था, अलग यही था उसमें 15 मिलियन व्यूज आए थे। हां लेकिन जिस साउंड इफेक्ट को रोस्ट करते थे उसी साउंड इफेक्ट पे वीडियो बना दी। मैं अभी नया हूँ इस दुनिया में। एटलीस्ट हंसाने के लिए फेक साउंड इफेक्ट तो पूछा है, मैंने कहा तो ये पबजी वाला लगता है। और वहीं गाइस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गेमर से मिले थे, और वहीं पर उन्होंने पबजी वाला मीम पर रिएक्ट किया है। क्या कहा है मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, और आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके जरूर बताए। और किसको याद है, मैं परीक्षा पे चर्चा कर रहा था, तो मैंने ऐसे कहा कि ये कुछ बच्चे ने मुझे उलट पुलट पूछा, मैंने कहा तो ये पबजी वाला लगता है। ये पबजी वाला है क्या? वो तो मोमेंट था जब आपने ये पबजी वाला है बोला था, तो मैं उस समय पबजी में रिप्रेजेंट कर रहा था इंडिया को। और